हेलो फ्रेंड्स, सॉरी आज मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं हाय, थैंक यू। ये देखिए मेरा खाना आ गया है, ये मेरा खाना आ गया है। मास्क पहन के, कान वान सब कुछ कवर करके बैठी हूँ मैं, और पूरा फ्लाइट खाली है। पूरा फ्लाइट दोस्तों, पूरा फ्लाइट जो है इकोनॉमी में थोड़े लोग बैठे होंगे। हर जगह मुझे तो ये सांस लेने भी नहीं हो रहा है, निकाल दूँ। इतनी गर्मी हो रही है, क्या बताऊँ मैं आपको। पूरा फ्लाइट खाली है, ऐसा लगता है कि ये फ्लाइट सिर्फ मेरे लिए, मुझे मुंबई लेके जा रहा है ये फ्लाइट। हेलो फ्रेंड्स, सॉरी आज मैं बोल नहीं पा रही हूँ। मैं हाय, थैंक यू। ये देखिए मेरा खाना आ गया है, ये मेरा खाना आ गया है। मास्क पहन के, कान वान सब कुछ कवर करके बैठी हूँ मैं, और पूरा फ्लाइट खाली है। पूरा फ्लाइट दोस्तों, पूरा फ्लाइट जो है इकोनॉमी में थोड़े लोग बैठे होंगे। हर जगह मुझे तो ये सांस लेने भी नहीं हो रहा है, निकाल दूँ। इतनी गर्मी हो रही है, क्या बताऊँ मैं आपको। पूरा फ्लाइट खाली है, ऐसा लगता है कि ये फ्लाइट सिर्फ मेरे लिए, मुझे मुंबई लेके जा रहा है ये फ्लाइट। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू गॉड द फादर, थैंक यू होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे परमेश्वर यहोवा, अल्लाह परमेश्वर, अल्लाह परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रार्थना करती हूँ प्रभु उन लोगों के लिए जो कोरोना वायरस से पीड़ित है प्रभु, चाइना में, सिंगापुर से लेकर, यूएस से लेकर, हर जगह प्रभु कोरोना वायरस कैंसर की बीमारी से पीड़ित है प्रभु, या डायबिटीज की बीमारी से पीड़ित है प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आपके पवित्र नाम में, यीशु मसीह, आपके पवित्र नाम में ये बीमारी जहां से आई है वहां से निकल जाए प्रभु। इन्हें एक सबक मिला है प्रभु कि ये सांप वाप खाते हैं, नहीं खाना चाहिए उन्हें प्रभु। उन्हें उनको उनके पापों को क्षमा करो प्रभु, प्रभु उनके पापों को प्रभु। कुरान और बाइबल में लिखा है जो चीज लीगल है, जो चीज परमेश्वर की तरफ से है वही चीज खानी है। परमेश्वर ने चमगादड़, कुत्ते, बिल्ली ये सब खाने के लिए मना कहा है, छिपकली, कॉकरोच ये सब खाने के लिए मना किया था। लेकिन प्रभु मैं क्षमा मांगती हूँ उन पूरे चाइना की तरफ से, पूरे चाइनीज, पूरे सिंगापुर, पूरा बैंकॉक, हांगकांग, जो भी ये गंदी वस्तुएं खाते, चमगादड़, सांप, बिच्छू, ये सब कुत्ते, बिल्लियां खाते प्रभु, उनकी तरफ से मैं आपके चरणों में आती हूँ प्रभु। मैं क्षमा मांगती हूँ प्रभु, इन सबको क्षमा कर दे प्रभु। प्रभु आप 70 माओं के प्यार वाला, दिल रखने वाले परमेश्वर है प्रभु। प्रभु मैं आज प्रार्थना करती हूँ मेरे सोशल मीडिया से, मेरे IGTV से प्रभु, प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए प्रभु। आप आसमान के परमेश्वर, दयालु परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु मैं इनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। आप बहुत ज्यादा कोरोना वायरस फैल चुका है प्रभु, लोग मर रहे हैं प्रभु, इनोसेंट लोग मर रहे हैं प्रभु, उन्हें नहीं पता कि उन्होंने प्रभु, प्रभु हम सब पापी मनुष्य है प्रभु, लेकिन हमें सबको आपने क्षमा किया है क्योंकि आप दयालु परमेश्वर है प्रभु। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े सब मर रहे हैं प्रभु कोरोना वायरस से प्रभु। सारे डॉक्टर्स प्रभु दया करे हम पर, प्रभु हम पर दया करे प्रभु। अगर हम सच्चे मन से आपसे पापों की क्षमा मांगे प्रभु। सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशन, वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पॉज योर पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस फॉर अ फ्यू मिनट सो दैट वी कैन हैव योर फुल अटेंशन, थैंक यू। कैबिन क्रू टू डेमोन्स्ट्रेशन प्लीज। आई एम फीलिंग कोल्ड।
दोस्तों आउट, मैं अभी फ्लाइट में हूँ, मैं जा रही हूँ चाइना। जो वायरस है ना, कोरोना वायरस, इसे मारने के लिए। और मेरे साथ बहुत सारे स्पाई हैं मेरे, देखो कितने सारे। हेलो हेलो, लेट्स गो टू चाइना एंड किल द वायरस, ओके? यस, सी मैं चाइना जा रही हूँ, सारे वायरस को ख़त्म करके आऊँगी। अब कोई बीमार नहीं होगा, नो मोर वायरस, ओके? ओह माय गॉड, लुक, कैन आई, कैन आई सी? अरे इन्होंने तो मास्क लगा के अभी से फ्लाइट में बैठ गए हैं, ओह माय गॉड। हाँ, डोंट वरी, आई एम गोइंग टू चाइना। हाँ मोदी जी, मैं जा रही हूँ चाइना सारे वायरस को ख़त्म करने के लिए। प्रे फॉर अस कि मैं सही सलाह। दोस्तों मैंने नासा से ऐसी दवाई मंगाई है, नासा से स्पेशल, एकदम देखो आप सांस लेते रही है, ये कह रही है एयरोस्टेस भी सांस लेते रही है, उसी फ्लाइट में आप सांस ले सकते हैं। चाइना में जाते हम लोग सांस नहीं लेंगे, बिकॉज हम लोग सॉरी ओके। देखो ये देखो मुझे रोकने आई है, बट मैं रोक रही, ठीक है ओके बाय गाइस। मैं जा रही हूँ, जो रोकने आई है, हम नासा से ऐसी दवाई लेके जा रही हूँ मैं चाइना में। इस विमान में 8 आपातकालीन निकास है, विमान के पिछले भाग में 2 द्वार, बताओ द्वार विमान के आगे के भाग में है और मुख्य द्वार पर एक इवैक्यूएशन स्लाइड उपलब्ध है जो विमान से अलग कर नाव की तरह इस्तेमाल की जा सकती है। दोस्तों चाइना पहुँच चुकी हूँ मैं, ये कोरोना वायरस को निकाल के आज मैं करके ही रहूँगी, कोरोना वायरस आज मैं निकाल के ही रहूँगी। चाइना पहुँच चुकी हूँ मैं दोस्तों, ये देखो ये चाइनीज कैप में मैं बिल्कुल चाइनीज लग रही हूँ, चीनी मिनी चाओ चाओ, वायरस को खाऊं खाऊं, चीनी मिनी चाओ चाओ। दोस्तों आज मैं फिर से दुखी हूँ, आज सुबह उन चारों लोगों को फांसी होनी थी, लोअर कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, जितने भी 3 कोर्टों में कहा गया कि फांसी होगी, आज सुबह फांसी होनी थी फिर से रुक गई। हिंदुस्तान की बेटियों के लिए, हिंदुस्तान के लिए सबसे बैड न्यूज़ है, काली रात है, ब्लैक डे है, अगर ऐसे मुजरिम छुपते गए तो हिंदुस्तान की बेटी को कभी न्याय नहीं मिलेगा। क्या हमारा कानून सो रहा है? फांसी 3 बार 2 बार देने के बाद क्यों रोक दी गई? 7 साल से एक माँ वेट कर रही है, 7 साल से एक देश की हर वो बेटी जो पीड़ित है वो भी न्याय मांग रही है, उनके भी केसेस पेंडिंग है कोर्ट में। अगर कोर्ट में ऐसे आरोपियों को छोड़ दिया जाएगा तो देश की बेटी को कभी न्याय नहीं मिलेगा। मोदी जी, राष्ट्रपति जी, आप लोगों के हाथ में हैं। आपने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटी बचेगी? मोदी जी आरोपी ऐसे जो क्रिमिनल्स है, जो आरोपी, जो अक्यूज्ड है, अगर वो ऐसे बचते रहेंगे फांसी से, सजा से, तो कैसे देश की बेटी को न्याय मिलेगा? राष्ट्रपति जी आप बड़ी कुर्सी पर बैठकर फांसी रोक दी आपने, क्यों? सारे सबूत आपके पास है, क्यों क्यों रोकी? निर्भया की माँ को मैं सैल्यूट करती हूँ, एक माँ 7 साल से अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ रही है, और ये जो हमारे कुछ वकील है जो आरोपी के, वो कुछ न कुछ पेपर दे दे के उनकी फांसी रोक रहे हैं। अरे भाई साहब, आपके घर में बेटी नहीं है, दूसरों की बेटियाँ बेटियाँ हैं, हमारी बेटियाँ क्या है? क्या आप देख नहीं रहे सारे जितने भी गुनाह है उन चारों के, उस दुनिया के सामने है, कानून के सामने, कोर्ट के सामने है, तो उनको
फांसी क्यों नहीं दी जाती है। मैं सल्यूट करती हूँ ऐसी माँ को जो अपनी बेटी के लिए लड़ रही है। हम दुनिया वाले फिर से प्रे करें कि इन चारों को फांसी हो और निर्भया को न्याय मिले, इस देश की बेटी को न्याय मिले, इस देश की नारी को न्याय मिले। उस दिन नारी डे होगा, जिस दिन इनको फांसी होगी उसी दिन नारी डे हो। 7 साल से एक माँ वेट कर रही है। निर्भया केस को सब लोग जानते हैं, निर्भया केस को आज भी हम चैन से सो नहीं पाते हैं। 7 साल से वो केस हमें याद है। रोज रोज बच्चियों का, महिलाओं का रेप होता है हिंदुस्तान में। ये वकील लोग जो है, दोषियों की वकील है, वो लड़ रहे हैं। हमें लगता है क्या उनके घरों में बेटियां नहीं हैं? क्या एक माँ झूठा केस लड़ रही है? आप बताएं दोस्तों, क्यों फांसी क्यों टाली गई जब दोषियों का दोष साबित हुआ है कोर्ट में? तो मर्सी किस चीज की? उनको तब दया नहीं आई जब उन्होंने निर्भय के साथ ऐसा कांड किया था, घिनौना काम किया था, तब उन्होंने मर्सी क्यों नहीं करी? हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरे पास आज एक आइडिया है और देश के लिए इलाज भी है। जो लोग भी NRC CA से डरते हैं, उनको लगता है कि हमारे बाप दादाओं ने हमारे लिए सर्टिफिकेट नहीं रखा है, उन्हें डर लगता है, तो आप चिंता क्यों करते हो? मैं हूं ना। हाँ, अगर आप इस देश से नहीं जाना चाहते हो या आपके पास कोई पुराने कागजात नहीं है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग रहो हिंदुस्तान में, एक लंबा सा बैंक का लोन ले लो, बस बैंक पूरा साबित कर देगी कि आप हिंदुस्तानी हो। चिंता की कोई बात ही नहीं है दोस्तों। सो इजी, चलो फटाफट जाओ लोन ले लो। अरे लोन बैंक से ले लो, ओके? और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारी एक्ट्रेस, जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी है, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूं, दीपिका को, इस देश ने उसे प्यार दिया, शोहरत दी, भारत ने क्या क्या नहीं दिया फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने उन लोगों को सपोर्ट किया जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, JNU के लोगों को, छात्रों को। क्यों आप लोग भारत के टुकड़े क्यों करना चाहते हो? भारत आपकी माता है, कोई अपनी मां के टुकड़े करता है क्या? कोई हमारी मां के टुकड़े करता है क्या? और आप भारत के टुकड़े क्यों करना चाहते हो? क्या कोई मिठाई का टुकड़ा है जो आप टुकड़े करना चाहते हो? और वो लोग, दीपिका एक बहुत सुलझी हुई अभिनेत्री है, वो अपनी फिल्म के लिए, फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां गई थी। दोस्तों आज मैं बहुत दुखी और सैड हूं, बहुत ज्यादा। मुझे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि चंद देश के विरोधी लोग हमारे देश को बांटना चाहते हैं। क्या वो कामयाब होंगे? क्या वो हमारे देश को तोड़ पाएंगे? आज मोदी जी ने नागरिकता कानून को लाके देश का सर ऊंचा किया है। मोदी जी देश के लिए कितना काम कर रहे हैं, मुझे गर्व है हमारे मोदी जी पर, हमारे प्राइम मिनिस्टर पर, कि बहुत अच्छा कानून ला रहे हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि कुछ गैर कानूनी तरीके से कुछ लोग अगर दूसरे देशों में घुस जाते हैं तो उनको कड़ी से कड़ी सजा होती है, लेकिन ऐसे ही गैर कानूनी लोग हमारे देश में घुस के बैठे हुए हैं, अगर उनके लिए कोई कानून निकाला जा रहा है या गैर कानूनी लोगों को निकाला जा रहा है तो इसमें मोदी जी क्या गलत कर रहे हैं? आप बताइए, अगर हम घर में रहते हैं, अगर हमारे घर में कोई घुस जाए तो क्या हम उनको हमारे घर में रहने देंगे? उनको ये कहेंगे कि भाई हम आपको जानते नहीं, पहचानते नहीं और आप हमारे घर में रहो? हमारे मोदी जी सही काम कर रहे हैं कानून लाकर। और सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि हमारी एक्ट्रेस, जो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस भी है, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूं, दीपिका को, इस देश ने उसे प्यार दिया, शोहरत दी,
भारत ने क्या क्या नहीं दिया फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन उन्होंने उन लोगों को सपोर्ट किया जो भारत के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जेएनयू के लोगों को, छात्रों को। क्यों आप लोग भारत के टुकड़े क्यों करना चाहते हो? भारत आपकी माता है, कोई अपनी मां के टुकड़े करता है क्या? कोई हमारी मां के टुकड़े करता है क्या? और आप भारत के टुकड़े क्यों करना चाहते हो? क्या कोई मिठाई का टुकड़ा है जो आप टुकड़े करना चाहते हो, भारत के टुकड़े? क्या हम लोग ऐसे मुंह देखते रहेंगे और आपस में अंदर छात्रों को पता नहीं कोई हमारे देश के विरोधी है वो मार रहे हैं छात्रों को, और वो लोग, दीपिका एक बहुत सुलझी हुई अभिनेत्री है, वो अपनी फिल्म के लिए, फिल्म के प्रमोशन के लिए वहां गई थी, लेकिन पीछे से नारे लगाए गए, इसमें दीपिका को कोई कसूर नहीं। मैं बहुत दुखी हूं कि वहां से सब लोग भारत के टुकड़े हो ऐसे नारे लगाते हैं। ये सुनने से पहले हमारे कान क्यों नहीं फट गए? भारत को कोई अलग नहीं कर सकता, हमारे भारत को कोई टुकड़े नहीं कर सकता, और जो भी भारत के टुकड़े करना चाहेगा उनके खुद के टुकड़े हो जाएंगे। ईश्वर, परमेश्वर उन्हें माफ नहीं करेगा। जिस देश में तुम खाते हो, जिस देश का नमक खाया, जिस देश में पैदा हुए, उसके टुकड़े करना चाहते हो? नहीं, हम देश के नागरिक ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, किसी और की बात सुनकर अपने देश पर हमला मत करो। ये देश सबका है, तुम्हारा है।